हमर नाम कुनकुन देवी, तारा जीविका महिला ग्राम संगठन के वी आर पी छे। घर हमर संझाघाट छे। हमर नाम मंजू देवी छे, सोनी जीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष छे, तारा जीविका महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष छे। घर संझाघाट, प्रखंड धमदाहा, जिला पूर्णिया के हम निवासी छे। धान देखो दीदी, एक गलवा लागल जे छै, एकरा में कोन बीमारी लागल है? बिहार पी दीदी के जे फोन करहो दीदी, किया जे हेलो कुमकुम दीदी, हम मंजू दीदी बोले छिए। धान के खेत एलिए घुमै लए, देखे छिए पीला पीला पत्ता हो रहल छै, कीड़ा लागल छै दीदी, आके बताबियो ने कोन कोन दवाई लागतै नहि लागतै। हम खेते पर रहै छियै दीदी, आब तब दीदी जेने तोरा में धान भेल छे पीला पीला, एनाही में हमरो भेल छे पीला पीला। तो हमरो में तो भए गेलै दीदी पीला पीला पत्ता, तऽ हटा ई पीला पीला पत्ता भए गेलै सब खेत में, तो एहने भए गेल। तो ई में कोन दवा लगतै? कोन दवा लगतै? झारपी के बोलाबो, फोन करो। हाँ दीदी, कथी लए फोन करले रहिए दीदी? फोन करले रही इएह करी दीदी, देखो धान में पीला पीला पत्ता भए गेलै, धान जे जड़ी सुखै छै, पौधा सुखै छै, कीड़ा लागल छै, एकरा में दीदी बियाही बताउ ने कोन कोन दवाई लागतै। चिंता नहि करो दीदी, हम तोरा दवाई बता दै छियौ। चलो दीदी, घर पर जाके बता दै छियै दवाई। चलो दीदी, पीला जे भए गेलै ने दीदी धान, एकरा में निमक के प्रयोग करै लए पड़तै। निमक से ओकरा स्प्रे करै पड़तै दीदी? हाँ दीदी। ई दीदी पीला पीला है छै, निमक से स्प्रे करबै दीदी तऽ ई सब बीमारी छूट ने जेतै? हाँ दीदी, छूट जेतै की? तऽ करबै दीदी। दीदी हमहूँ जे ई जे सफरे करै लए सफरे छै दीदी, तऽ यहाँ कथी कहै छै निवास से होइ ने जेतै की? हाँ निवास से दीदी हो जेतै। ठीक है, जाइ छियै हमहूँ करबै इएह दवाई सफरे, तहूँ करबै तऽ भए जेतै ठीक तोरो। धान में दीदी बीमारी देलकै पीला पीला, एकरा निमा अस्त्र के प्रयोग करलस ने दीदी ठीक हो जेतै? निमा अस्त्र के प्रयोग जे करबै दीदी, ओकरे कीट प्रबंधन करै छियै दीदी। कीट प्रबंधन के की उद्देश्य छै दीदी? बिहारपी दीदी, फसल में लगे वाला कीड़ा से समय से पहले निजात मिल जाए, जकरा से फसल रोगग्रस्त नहीं होता है। निमा अस्त्र के घोल छे दीदी, सबसे पहले सूती कपड़ा दीदी एकरा छाँक, एकरा छाँकबाय दीदी? हाँ दीदी, सूती कपड़ा से छाँकी के तब स्प्रे मशीन में डालो, छाँक के देवे दीदी स्प्रे मशीन में। दीदी सूती कपड़ा तो छै ना देलो दीदी? हाँ दीदी छै ना देलो। आब एकरा स्प्रे मशीन में डालो दीदी, एकरा में डाल दो दीदी। हाँ दीदी, सरफ छे दीदी, ई सरफ दीदी हम, ई सरफ दीदी हम पानी में घोरै छियै, अगर सरफ नहि रहतै दीदी इसी के तेल भी हम डाले छियै, एकरा अच्छा तरह से मिला लेबै, पहले मिला के एकरा स्प्रे मशीन में डालबै। सरफ ई देला से डालला से दीदी की फायदा होइ छै? दीदी स्प्रे जखनी करबै ने धान में दीदी, ओ पत्ता पर फैलावे के काम करै छै सरफ। सरफ जे छै दीदी पत्ता पर फैलावे के काम करै छै? हाँ दीदी, पत्ता पर फैलावे के काम करै छै सरफ। ओ
प्रबंधन करला से की लाभ है छे दीदी? कीट प्रबंधन करला से यह लाभ छे दीदी, फसल रोगग्रस्त नहीं है छे दीदी, पौधा हरा भरा रहे छे दीदी, उपज ढेर है छे दीदी। कीटनाशक के प्रयोग करे दीदी कोई सावधानी रखे पड़े? हाँ दीदी, सावधानी तो रखे पड़े छे दीदी, सावधानी दीदी यह अपनावे पड़े छे। शरीर पूरा ढकल रहना चाहिए और नाक में रुमाल बांध लेवे दीदी, तब स्प्रे करते हैं। स्प्रे जब हम करवाए तो सुबह या शाम में ही करवाए स्प्रे, और हवा की दिशा देख के करवाए। सुबह शाम के करवे दीदी? हाँ, स्प्रे सुबह ही शाम हवा को देख के करे पड़ता ना? हवा हवा की दिशा देखना जरूरी है दीदी। सावधानी यो अपनावे पड़े छे दीदी, स्प्रे करे घंटा दीदी, खैनी या तम्बाकू के नहीं खाना चाहिए। खैनियों तम्बाकू के सावधानी करे? हाँ, खैनी तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, आ साबुन से अच्छी तरह का हाथ धो लेना चाहिए स्प्रे के बाद। हाथों धोए पटने दीदी? हाँ, धूप ज़्यादा रहता है और हवा ज़्यादा चलते उस दिन स्प्रे नहीं करो। हवा धूप का जब नाल नहीं करो दीदी? ना, उस दिन नहीं करवे। सभी दीदी भाई से यह अनुरोध करे छे जे सही समय पर कीट प्रबंधन करे और फसल में रोग होखे से बचा दे। अपना कीमती समय दा के दीदी जे कीट प्रबंधन के बारे में बतेला, ओकरा लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ दीदी बहुत बहुत धन्यवाद।